ये कहानी मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मीरा एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे और उसकी माँ घर संभालती थी। मीरा बहुत छोटी थी जब वो पहली बार अपने माँ बाबा के साथ जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर गई। उसने भगवान कृष्ण की मूर्त देखते ही अपनी माँ से कहा, माँ, कान्हा जी तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। आपने जैसा बताया था, कान्हा जी तो उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। हाँ बेटा, कान्हा जी की छवि है ही ऐसी, जो एक बार देख ले वो सब कुछ भूलकर उनकी भक्ति में ही मगन हो जाता है। अब चल बेटा, तेरे बाबा हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, घर के लिए देर हो रही है। नहीं माँ, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, आप चली जाओ। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं तुझे अकेला छोड़कर? माँ, मुझे कान्हा जी के पास ही रहना है हमेशा। मीरा की बात सुनकर शकुंतला हैरान रह जाती है। वो कुछ देर सोचती है और फिर मीरा से कहती है, बेटा तू ऐसे मंदिर में नहीं रह सकती, तुझे कान्हा जी के साथ रहना है ना, चल मेरे पास। मेरे पास एक तरीका है जिससे तू घर में भी हमेशा कान्हा जी के साथ रह सकती है। अपनी माँ की बात मानकर मीरा उसके साथ चली जाती है। घर पहुंचकर शकुंतला अपने घर के मंदिर से छोटे से बाल गोपाल की मूर्त उठाकर देती है और उससे कहती है, ये ले मीरा, आज से ये बाल गोपाल तेरे, तू हमेशा इन्हें अपने साथ रखना। सच माँ, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। माँ, लेकिन मैं इनका ख्याल कैसे रखूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। शकुंतला मुस्कुराकर मीरा के सिर पर हाथ रखती है और धीरे धीरे हर दिन के साथ वो बाल गोपाल के साथ श्रृंगार और उनकी पूजा अर्चना का तरीका मीरा को सिखाती है। मीरा भी बड़े मन से सब कुछ सीखती है, भले ही खुद कुछ भी न खाया हो उसने, लेकिन अपने बाल गोपाल को सही वक्त पर भोग लगाती थी। भले ही मौसम के मुताबिक उसके पास कपड़े ना हो, लेकिन कान्हा जी के लिए वो हर मौसम के अलग अलग कपड़े बनाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, शकुंतला बीमार रहने लगी। घर का सारा काम अब मीरा को करना पड़ता था। एक दिन शकुंतला की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो कराहती हुई मीरा से बोली, मीरा बेटी, बहुत घबराहट हो रही है बेटा, सांस नहीं आ रही। क्या हुआ माँ, क्या हुआ तुम्हें? ये लो पानी, मैं अभी बाबा को बुला कर लाती हूँ। मीरा जब तक अपने पिता के साथ वापस लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शकुंतला की सांसें थम चुकी थी। मीरा और उसके पिता राजेश के लिए ये बहुत बड़ा दुख था, लेकिन वक्त के साथ किसी तरह वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं। गर्मी के मौसम की मार के चलते राजेश की सारी फसल सूख गई थी। उस साल उसे बहुत नुकसान हुआ। नौबत ये आ गई कि खाने पीने तक के लाले पड़ गए। ऐसे में उसे मीरा के भविष्य की भी चिंता सताने लगी। उसे परेशान देखकर एक दिन मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ बाबा, माँ की याद आ रही है? बेटा, तेरी माँ की याद तो हर पल आती है मुझे, लेकिन फिलहाल मुझे तेरी चिंता खाए जा रही है। सोचा था इस बार फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे तेरी शादी एक अच्छे घर में करूंगा, लेकिन देखना पूरी की पूरी फसल सूखी पड़ी है, बारिश की एक बूंद जो नहीं गिरी इस बार। बाबा आप मेरी चिंता मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, आप और मेरे बाल गोपाल हैं ना मेरे साथ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राजेश मीरा की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। कुछ दिन बाद खुद ही मीरा की शादी के लिए एक रिश्ता आ जाता है। नवीन अपने पिता के साथ उसका हाथ मांगने उसके घर आता है। दरअसल नवीन को मीरा पसंद आ गई थी। उसने मीरा को भगवान कृष्ण के मंदिर में देखा था और तभी उसने मीरा से शादी करने का फैसला कर लिया था। नवीन के पिता का कपड़े का कारोबार था और नवीन भी अपने पिता की मदद करता था। राजेश ये सब जानकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत जाकर मीरा से कहा, मीरा देख तो बेटी कितना अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए, बिना कोई दान दहेज के तुझे मांग रहे हैं बेटा। लेकिन बाबा मुझे शादी नहीं करनी। मीरा अपने बाल गोपाल को हाथ में लिए रोए जा रही थी। राजेश ने उसे फिर समझाया और उससे बोला, बेटी तू तो मेरी हालत जानती ही है, तुझे पेट भर खिलाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, तो अब तू ही बता तेरी शादी का खर्च कैसे उठा पाऊंगा मैं। वो तेरी किस्मत अच्छी है बेटा, जो लड़के वाले खुद चलकर आए हैं उनका निरादर मत कर, और
और अपने इस बूढ़े बाप के बारे में भी सोच बेटा। राजेश रोने लगता है। ये देखकर मीरा को बहुत बुरा लगता है। वो राजेश को चुप कराती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में नवीन से मीरा की शादी हो जाती है। वो अपने बाल गोपाल को अपने ससुराल में भी अपने साथ ही रखती है। नवीन मीरा को बहुत प्यार करता था, लेकिन नवीन की माँ सुधा को मीरा एक आंख नहीं सुहाती थी। सुधा एक लालची और घमंडी औरत थी। नवीन की जिद के आगे मजबूर होकर उसने मीरा को अपनी बहू बना तो लिया था, लेकिन उसे दिल से बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। वो मीरा को बातें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब मीरा अपने बाल गोपाल का श्रृंगार कर रही थी, तभी सुधा ने उसे आवाज लगाना शुरू कर दिया। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सूरज सिर पर चढ़ाया है, कुछ नाश्ता वाश्ता मिलेगा या नहीं, या सबको भूखा ही रहना पड़ेगा? जी माँ जी, बस अभी लाई, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। वो आप लोग यहाँ थे नहीं तो मैं वो कान्हा जी को। हाँ बस, जब देखो कान्हा जी का बहाना बनाकर आराम फरमाती रहती है। सब समझती हूँ मैं, पहले अपने लटको झटको से तूने मेरे बेटे को फंसाया और हमारे गले पड़ गई। एक ढेला देने की औकात नहीं थी तेरे बाप की, फिर भी ब्याह लाया तुझे मेरा नवीन। अरे तुझे तो जीवन भर एहसान मानना चाहिए हमारा, लेकिन नहीं, तुझे तो आराम तलबी से ही फुर्सत नहीं। साफ साफ कह देती हूँ तुझे, घर के काम समय पर होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी जी माँ जी। आंखों में आंसू लिए मीरा रसोई में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। वो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती, इसलिए वैसे ही कान्हा जी के लिए उसके पास वक्त नहीं बचता था। ऐसे में सुधा की बातों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मीरा की शादी को 5 साल बीत गए और बीतते वक्त के साथ सुधा के मन में मीरा के लिए नफरत और बढ़ती गई। एक दिन सुधा की पुरानी सहेली उससे मिलने उसके घर आई तो सुधा ने उससे पूछा, और सुना शीला, क्या हालचाल हैं तेरे? बड़े दिनों बाद याद आई तुझे मेरी। हाँ सुधा, बस क्या बताऊं, वक्त ही नहीं मिला इस बीच। ये सब छोड़, ये ले मुंह मीठा कर, मैं दादी बन गई हूँ। कल ही मेरी बहू को बेटा पैदा हुआ है, बहुत ही प्यारा है। उसका नामकरण करूंगी बड़े धूमधाम से, सबको लेकर आना, ठीक है? इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। शीला के पोते की खबर सुनकर तो जैसे सुधा आग बबूला होती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है मेरी। एक तो ये मनहूस मेरे घर में आ गई, 5 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। हे भगवान, तू मुझे उठा ही ले, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पीछे खड़ा नवीन अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो सुधा से कुछ नहीं कहता। वो उसी शाम मीरा को लेकर एक नर्सिंग होम में जाता है और डॉक्टर को सारी बात बताकर उनसे मीरा की जाँच करने को कहता है। डॉक्टर मीरा की जाँच करने के बाद उसे बताती है, देखिए मैंने मीरा की तो पूरी जाँच कर ली है, मुझे नहीं लगता कि उसे माँ बनने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार आपको भी अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर की बात मानकर नवीन अपनी जांच करवाता है। उस जांच से पता चलता है कि परेशानी मीरा के साथ नहीं बल्कि नवीन के साथ थी। असल में वो कभी पिता नहीं बन सकता था, ये नवीन और मीरा दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका था। नवीन सुधा को सब कुछ बताने ही वाला था कि तभी मीरा उसे रोक लेती है और उससे कहती है, देखिए माँ जी को ये सब जानकर बहुत दुख होगा, आप उन्हें कुछ मत बताइए। लेकिन मीरा, तुम तो माँ को जानती ही हो, उन्हें कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो कह दीजिए कि मुझ में ही कमी है, मैं माँ नहीं बन सकती, माँ जी वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती, तो ऐसा बोलने पर भी कुछ खास बदलने वाला नहीं है, लेकिन आपके बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख पहुँचेगा। मीरा के माँ नहीं बन पाने की बात सुनकर तो सुधा पहले से भी ज्यादा तीखी हो जाती है। अब तो हर वक्त वो मीरा को ताने देती रहती। मीरा बिना कुछ कहे सब कुछ सुनती रहती थी और अकेले में अपने बाल गोपाल के सामने खूब रोती थी। उसे लगता था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाल गोपाल उससे नाराज है, क्योंकि शादी के बाद से ही उसने एक बार भी जन्माष्टमी का त्योहार अच्छे से नहीं मनाया था। वो सुधा के डर से कभी कुछ कर ही नहीं पाई, लेकिन इस बार उसने जन्माष्टमी का त्योहार अच्छे से मनाने का फैसला कर लिया था। उसने नवीन से पैसे लेकर कान्हा जी के लिए नए कपड़े खरीदे, मेवा मिष्ठान खरीदे, और जब वो सारा सामान लेकर घर पहुंची तो उसे देखकर सुधा गुस्से से बोली, ये सब क्या है? मेरे बेटे को उल्लू बनाकर उससे पैसे ऐंठ लिए तूने, और ये सब क्या नाटक है? माँ जी, ये सब मैं कान्हा जी के लिए लाई हूँ, जन्माष्टमी आने वाली है तो इसलिए। हाँ तो इतना सारा सामान, जब देखो तब खर्चा ही सूझता है तुझे, न दहेज में कुछ लाई और शादी के बाद भी तेरे बाप ने कभी कोई रस्म अच्छे से नहीं की,
और तो और एक वारिस भी नहीं दे सकी तू इस घर को, और फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे का पैसा ऐसे बर्बाद करेगी। सुधा बहुत गुस्से में थी। वो मीरा पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही उसका खुद का पैर फिसल जाता है। लेकिन मीरा उसे सही वक्त पर गिरने से बचा लेती है और उसे बचाते बचाते खुद सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पास ही खड़ा नवीन ये सब देख रहा था। वो तुरंत ही मीरा को अस्पताल लेकर जाता है। मीरा को काफी चोट आई थी। ये सब देखकर नवीन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में सुधा से कहता है, माँ ये क्या किया तुमने? दहेज के लालच में अंधी हो गई। तुमने इतने सालों में कभी मीरा को समझने की कोशिश तक नहीं की, और वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। नवीन सुधा को सारी सच्चाई बताता है। सच जानकर सुधा की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ ही देर में मीरा को होश आ जाता है। सुधा रोते हुए उससे कहती है, मीरा मुझे माफ कर दे बेटा, पैसों की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था। हर वक्त तुझमें बुराइयां ही ढूंढती रही जो कभी नहीं मिली मुझे, इसीलिए तेरी भक्ति से भी जलन हो गई थी मुझे। अब मैं सब जान गई हूँ बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे मुझे। मीरा सुधा के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। उस दिन से सुधा बिल्कुल बदल गई थी। वो अब मीरा के साथ मिलकर हर रोज कान्हा जी की पूजा अर्चना करने लगी और मीरा को भी एक बेटी की तरह प्यार करने लगी थी।